हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एजी ब्लॉग और आज हम बात करेंगे ट्राईपोड, वो ट्राईपोड जो हमने पेटीएम मॉल से ऑनलाइन परचेस किया था। ट्राईपोड परचेस किया है तो अनबॉक्सिंग भी होगी। चलो आपको पहले अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, फिर बताएंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी। Been a little too nice to y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the flipping the all record off record. I still count wins when they dead. तो दोस्तों, आपने अनबॉक्सिंग तो देखी ली और जब मैंने ये पेटीएम मॉल से ऑनलाइन परचेस किया था तो उसमें इतनी सारी क्वालिटी बताई गई थी जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हो। और इसमें जितनी क्वालिटी बताई गई है ना, इसमें एक भी क्वालिटी इस ट्राइपॉड में नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी तो इतनी बेकार है। इसमें बताया गया था DSLR, GoPro मोबाइल माउंट करने के लिए, और आप देख ही सकते हो इसमें मोबाइल माउंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना मोबाइल क्या। अगर इसमें हम पुराने ज़माने का 1108 भी ना माउंट करें तो वो भी इसमें माउंट नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हो पेटीएम वाले एक मार्केट में न्यू ई कॉमर्स है जिसकी सेल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। अब जब यार हम लोग इतना ट्रस्ट करते हैं तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेटीएम वाले की बनती है ना कि जो भी हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए वो अच्छी क्वालिटी का हो। ऐसा नहीं कि दिखाया कुछ और गया हो, प्रोवाइड कराया गया हो तो बहुत बेकार क्वालिटी का हो। ऐसी कंपनी जो पेटीएम वाले में दिखाती कुछ हैं और इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये पेटीएम वाले में होना, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम पड़े या फिर हम जो पेटीएम मॉल से परचेस करते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम आए। आपने अनबॉक्सिंग में देखा ही ट्राईपोड की कितनी बेकार बिल्ड क्वालिटी का ट्राईपोड था, उसमें एक मोबाइल भी माउंट नहीं हो रहा था और पूरे उसको ठीक से देखोगे ना तो ट्राईपोड जगह जगह से टूटा है। और जब मैंने उसको परचेस करने के लिए ऑनलाइन जब देख रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें क्वालिटी दिखाई थी, DSLR, GoPro मोबाइल माउंट कर सकते हैं, तो मैंने देख कर वहाँ से इसे ऑनलाइन लिया। और जब ये मेरे को इसका कोरियर आया और मैंने कोरियर रिसीव किया और जब मैंने इसको देखा तो ये इतना बेकार ट्राईपोड निकला ना, बहुत बेकार। जबकि मैं और भी कंपनी जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट वहाँ से भी खरीद सकता था, वहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मुझे पेटीएम से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बेकार प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी पेटीएम। तो दोस्तों, आप आज की वीडियो में इतना ही। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आप मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने की।